मार्गदर्शन की आवश्यकता है, वो मार्गदर्शन करना और फिर यहाँ के गणमान्य सज्जनों से मुलाकात करना, फिर वहाँ एक हमारे सामाजिक समन्वय का काम है तो जिसमें बुद्ध, जैन, सिख सब धर्मों के जो आचार्य वगैरह रहते हैं उनसे हम निरंतर संपर्क में रहते हैं। यहाँ बुद्धिस्ट जो बोधगया में जो बुद्धिस्ट सोसाइटी है उसके लोगों से भी मिलना हुआ, उसके लिए भी तो ये सब कार्यक्रम और पटना में जाके यही काम करना है। सही कार्यक्रम का क्या उद्देश्य क्या है, किस लिए? उद्देश्य विश्व हिंदू परिषद का समाज में हिंदू समाज को एक करना, उसके समाज की कुरीतियाँ दूर करना, सामाजिक समरसता, ऊंच नीच का भेदभाव, जातिवाद, प्रांतवाद आदि का जो भेदभाव है इसको मिटाना, धर्मांतरण को रोकना, घर वापसी करना, जो लोग आना चाहते हैं वापस हिंदू धर्म में उनको हिंदू धर्म के अंदर लेना, उनको सुविधाएं देना और गो वंश का संवर्धन, गोहत्या निषेध, फिर संस्कारों को समाज में फैलाना, हिंदू जीवन मूल्य जो हैं उनको प्रस्थापित करना फिर से, ऐसे बहुत बड़े उद्देश्यों को लेकर विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 1964 में हुई थी। तो उसके बाद आज 56 वर्ष के करीब हो चुके हैं तो विश्व हिंदू परिषद इसी काम में लगा है। इस बीच में राम जन्मभूमि का आंदोलन, क्योंकि वो हिंदुओं का मानबिंदु था और इसलिए विश्व हिंदू परिषद उसमें जुड़ी, तो लगभग 30 साल तक उस आंदोलन का नेतृत्व किया, उसके लिए सब कुछ किया। उसकी जो कानूनी लड़ाई थी वो लड़ने की पूरी व्यवस्था विश्व हिंदू परिषद ने की और उसके बाद में अब राम मंदिर बनाने के लिए जो ट्रस्ट बना है उसकी सहायता करके एक भव्य मंदिर निर्माण करना, ये विश्व हिंदू परिषद ये काम है विश्व हिंदू परिषद। सर अभी आपने बताया कि हिंदुओं को एकजुट करेंगे, हिंदुओं के लिए ऊंच नीच का भेदभाव मिटाएंगे, तो कैसे आपका संगठन काज करता है, कैसे वहाँ पर पहुँचेंगे, क्या करेंगे? जैसे ये तो एक बहुत ऊंच नीच तो अभी भी है ही समाज में, ऊंच नीच का भेदभाव। ये जितने 1964 में स्थिति थी उससे बहुत बेहतर स्थिति अभी है। आपको याद होगा कि कोई 10 साल पहले तक भी गर्व से कहो हम हिंदू हैं, 10 भी नहीं, 89 का चुनाव, मतलब लगभग 30 साल समझ लो आप, तो 30 वर्ष पूर्व में यह नारा लगाना कि हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं, इसको सांप्रदायिक माना जाता था और सारे पॉलिटिकल पार्टी जो हैं उसका विरोध करती थी, कैसा नारा मत लगाइए। फिर एक समय आया जिसमें हिंदू आतंकवाद करके एक शब्द गढ़ा गए और हिंदुओं को बदनाम करके वो आतंकवादी ऐसा सिद्ध करने की कोशिश झूठे मुकदमे लगा कर कही, और स्वयं को हिंदू कहना ये इस देश में पाप माने जाने लगा। तो ये स्थिति से निकलकर आज हम इस स्थिति में पहुँचे हैं कि आज जो लोग हमें गालियाँ देते थे और कहते थे कि ये सांप्रदायिक लोग हैं, वो स्वयं जैकेट के ऊपर जनेऊ पहन के मंदिर घूम रहे हैं और खुद का गोत्र बता रहे हैं और कह रहे हैं हम हिंदू हैं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। आज दिल्ली में आप देखिए कि आप सरी की पार्टी जो सेकुलर कहलाती थी और हम लोगों के खिलाफ बहुत उन्होंने जहर घोला, आज उनकी स्थिति ये है कि वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, जीत बजरंग बली की वजह से हुई ये कह रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन विश्व हिंदू परिषद ने लाया है, वातावरण को देश के बदला है। और आज हिंदुओं में एक तो पुराने समय में चार शंकराचार्य भी एक जगह पर बैठते नहीं थे, आज ऊंच नीच का भाव समाप्त करने को हमको इतनी सफलता मिली है कि आज कोई भी साधु संत ये नहीं कहता कि जातिभेद होना चाहिए, अस्पृश्यता होना चाहिए, छुआछूत मानने का वो धर्म सम्मत ऐसा बोलते थे, आज कोई नहीं बोलता। तो हिंदू धर्म में आज इतना जो परिवर्तन आया है वो विश्व हिंदू परिषद के काम के कारण आया है। हम यही काम करते रहेंगे, समरसता का काम यही है, किसी में ऊंच नीच नहीं। ये वो धर्म है जो प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर का वास है समझता है। तो ऐसे धर्म को बदनाम किया जा रहा था, अब वास्तविक धर्म हमने लोगों को बताया। और आज जो तथाकथित दलित लोग जो लोग पुराने लोगों को उनको कहते थे कि ये नीच है, वो भी ये मानने लगे हैं कि नहीं, ये हमें वास्तव में ये विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमको सम्मान देता है और हमको बराबरी का मानता है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, आप लोगों ने 30 साल तक संघर्ष किया है, ट्रस्ट भी बन गई है, अब शिलान्यास की तिथि निर्धारित हो गई है क्या रामजन्म मंदिर का? देखिए, वो न्यायालय ने उनको एक कहा है कि न्यायालय रामलला की जमीन है, रामलला की ओर से उसको प्रबंध करने के लिए न्यायालय ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक ट्रस्ट निर्माण करे, वो ट्रस्ट का निर्माण हो चुका है। तो ये सारे जो निर्णय हैं ये उस ट्रस्ट को करना है। तो उस ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं उसमें हमारे वृंद गोपाल दास जी हैं, चंपत राय जी हैं, पारासरन जी जो हमारे वकील थे वो हैं। इन सब लोगों ने मिलकर ये तय करना है कि मंदिर का निर्माण कैसे होगा, कौन सी डिज़ाइन होगी, कब शुरू होगा, ये सारा काम वो करेंगे। और उनकी अभी पहली बैठक हुई, उसमें उन्होंने ट्रस्टी जो 2 ट्रस्टी कम थे वो अपॉइंट कर लिए। अब अगली बैठक में जो शायद अयोध्या में होगी और उसमें ये तय हो जाएगा कि मंदिर का निर्माण किस डिज़ाइन से होगा, कौन करेगा। उसके जो अध्यक्ष मंदिर निर्माण समिति के हैं वो नृपेंद्र मिश्र IAS ऑफिसर हैं, उनको किया गया है। तो वो